आज की जो रेसिपी है वो उन लोगों के लिए जिनको चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चाय पीना ज्यादा पसंद है या फिर कॉफी। तो मुझे वैसे चाय पीना पसंद है, मैं 1 से 2 बार चाय पी लेती हूँ, लेकिन मुझे कॉफी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि चाय का जो मसाला है वो कैसे बनाया जाता है। तो चाय मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये लगभग 5 टेबल स्पून जितनी हरी इलायची ले ली है, 4 मैंने इसमें काली इलायची ले ली है, 1 चक्रफूल और ये 3 थोड़े बड़े साइज के दालचीनी के टुकड़े थे जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। उसके बाद में 2 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है और 1 चम्मच लौंग। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे और हल्की धीमी आंच पर हम इन्हें लगभग 1-1.5 मिनट के लिए सेक लेंगे। सेकने से क्या होगा कि इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो सारा खत्म हो जाएगा और जब हम इन्हें मिक्सी में पीसेंगे तो ये बड़ी ही आसानी से पिस जाएंगे। तो वैसे आपको तो पता ही होगा कि जो चाय का मसाला है वो अलग अलग फ्लेवर्स का आता है, तो मुझे मतलब हरी इलायची का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर हरी इलायची की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले रखी है। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ। तो मैं ये जो चाय मसाला है ये हरी इलायची और सौंफ के फ्लेवर वाला बना रही हूँ। आप दूसरे फ्लेवर्स का भी चाय मसाला बना सकते हैं, मतलब बेसिक से मसाले यही रहेंगे, सिर्फ हरी इलायची जो है इसकी क्वांटिटी आप आधी कर देना और बाकी जो भी फ्लेवर आपको इसमें ऐड करना हो, जैसे गुलाब के पत्ते हो गए या फिर तुलसी हो गई, अजवाइन हो गया या फिर पुदीना हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बस बेसिक से मसाले यही रखना और सौंफ को आप इसमें से हटा देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 1-1.5 मिनट हो गए हैं मुझे धीमी आंच पे सभी मसालों को सेकते हुए। तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा मतलब हल्का दरदरा पीस रही हूँ, आप चाहे तो मतलब फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको मसाला पसंद है मतलब वैसा आप पीस लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मसाला पीस लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1 चम्मच जायफल का पाउडर। अब क्योंकि मेरे पास जायफल और सौंठ का पाउडर था इसलिए मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये साबुत है तो आप क्या करें कि जो हमने शुरुआत में साबुत मसाले सारे सेके थे, रोस्ट किए थे, उनके साथ इनको भी सेक लें और सभी मसालों के साथ सौंठ और जायफल को भी पीस लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सौंठ और जायफल का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक बार अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो चाय का मसाला है वो पूरी तरह से बनके तैयार है। अब आप इस इतने चाय के मसाले को लगभग 200 से 250 ग्राम चाय पत्ती में मिक्स कर लें और स्टोर करके रख लें ताकि जब भी आप चाय बनाएं आपकी एकदम बढ़िया मसाले वाली चाय बनके तैयार हो। और ये मसाला ना आप सर्दियों में बनाकर ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी आप सर्दियों में मसाले वाली चाय पियेंगे तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे आपको। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।